एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, एक एक लाइन तो सी सी क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तभी आज कल देखो आप बहुत हाई कट ऑफ जाती है, 710 पे भी 292 रैंक आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, वो एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, बेसिक चीजें ही पढ़ रहे हैं, तो तभी इतनी हाई कट ऑफ जा रही है। और उसके बाद जब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी की एक एक लाइन आएगी। इनऑर्गेनिक में आपको रट्टा मारने वाली बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रिएक्शंस है वो याद करनी है, उसमें जो हाईलाइट में दी होती है एनसीईआरटी की, उसमें जो रेड कलर में दी होती है वो आप नीट का पेपर उठा के देखोगे तो वो एज इट इज आती है, तो वहीं से क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें भी एनसीईआरटी की एक एक लाइन करनी है। फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे। फिर उसके बाद में फिजिकल की बात करते हैं, तो फिजिकल में भी आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा मायने रखती है, जैसे फिजिक्स में है उसमें मेनली जो बेसिक चीजें होती है जो फॉर्मूला है उनको एक अलग कॉपी बना करके उसमें लिख लेना है, है ना। तो उसमें जब फॉर्मूला और उनको टाइम टू टाइम जैसे टहल रहे हैं शाम को या सुबह वॉक कर रहे हैं तो उन फॉर्मूला को पढ़ के फिर उसके बाद में रात को बैठ के क्वेश्चन लगा लेने हैं। फिर उसके बाद में फिजिकल में क्वेश्चन लगा लेने हैं, ठीक है। और फिजिक्स में भी वही मेन चीज है कि आप क्वेश्चन करिए, बार बार क्वेश्चन करिए। फिर उसके बाद में जब ये हो जाए तो या तो आप या तो यहाँ अगर टेस्ट करवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर टेस्ट नहीं वो भी हो पाता है, क्योंकि अगर शुरू से बेच बन रहा है तो उतनी सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, धीरे धीरे हो पाएगी। तो आप कोई सी सीनियर से किसी से भी या नेट इंटरनेट से डाउनलोड कर ले प्रीवियस ईयर का एक पेपर, या जितने आपने चैप्टर की किए हैं उन चैप्टर्स के साथ साथ क्वेश्चन के 3 घंटे का पेपर करिए, और आप 3 घंटे बैठ के उस माहौल में पेपर करने की आदत डालिए। ऐसा नहीं, मैं तो अभी 11th में हूँ, 12th में हूँ, टारगेट रखिए, माइंडसेट रखिए कि मुझे 12th के साथ ही करना है तभी हो पाएगा। तो आप 3 घंटे में उस पेपर को करने की कोशिश कीजिए, तो धीरे धीरे आगे बढ़िए, हर संडे आदत डालिए कि मुझे 3 घंटे बस बैठना है और सिटिंग करने की अपने आप में हैबिट डालनी है, ओके। तो 3 घंटे बैठ के उन क्वेश्चन को करना है, जैसे अब मैं एग्जाम में कर रही हूँ उस माहौल में करने की आदत डालनी है, ठीक है। तो बाकी थैंक यू, आप और कोई क्वेश्चन हो तो हाँ, वो ऐसा होता है कि हम और कौन सी बुक्स करें, और वो मैंने भी ली थी यूएसएस की मोटी मोटी बुक्स, पर वो बुक्स नहीं होती है, उनको देख के डर लगता है, मोटी मोटी बुक्स आपको नीट में उन सब की कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी पढ़िए, उसकी थ्योरी को 10-10 एक महीने एक चैप्टर को 10-10 12 बार पढ़े हुए हैं, उस चैप्टर की एनसीईआरटी के अंदर आपकी थ्योरी को भी बार बार पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन्हीं को बार बार लगे, किसी रेफरेंस बुक की कोई जरूरत नहीं है ना। फिजिक्स में एक रेफरेंस बुक ले लीजिए, जैसे यूनिवर्सल, हम यूनिवर्सल करते थे तो एक खरीदो यूनिवर्सल और उसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, जिससे आपको स्पीड बन जाए, क्वेश्चन करने की आदत पड़ जाए, ठीक है। और केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो कोई जरूरत नहीं है, और फिजिकल में भी जैसे कोई आप रेफरेंस बुक जैसे नॉर्मल होती है वैसे कोई ले लीजिए, MTG वगैरह तो उससे कर लीजिए। यूनिवर्सल में कुछ क्वेश्चन जो है 93, 90, 80 का क्वेश्चन रहता है उसमें, तो वो सब क्वेश्चन बना कुछ छोड़ देना नहीं। हाँ, उनको जब जैसे अगर कोई बेसिक है, जैसे हम करते हैं तो आइडिया तो लग ही जाता है कि बेसिक क्वेश्चन है, जैसे ये हमेशा बेसिक है, पर ज्यादा हार्ड है जैसे एडवांस के भी क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, उनको आप नहीं करना, उनको छोड़ देना है, बस क्वेश्चन करते रोज करते की आदत पड़ जाए, इसलिए आप क्वेश्चन जैसे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज उसमें क्वेश्चन दिए होते हैं, तो आप टॉपिक जैसे आज टॉपिक सर ने टॉपिक करवाया उसके बाद में नोट्स पढ़ लिए जाके और उस टॉपिक के क्वेश्चन लगा लिए, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं, और उस टॉपिक वाइज करने के बाद में फिर एडवांस वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने, उनको छोड़ देना, और एडवांस के क्वेश्चन आए तो जैसे नीट और भी सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन उसमें होते हैं तो उनको कर लेना है। फिर जैसे आपको क्वेश्चन किया और आपको पता चला कि ये प्रीवियस ईयर में आया है